T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2 जून से होने वाली है और टीम इंडिया की भी T20 वर्ल्ड कप की टीम घोषित हो चुकी है और T20 वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा को टीम का कप्तान बनाया गया है। लेकिन कप्तान बनते ही रोहित शर्मा के अलग ही टेस्ट निकल गए हैं। बात करें रोहित शर्मा के बारे में, उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो अब अगर बात करें रोहित शर्मा के बारे में, तो T20 वर्ल्ड कप की रोहित शर्मा कप्तानी मिलते ही रोहित शर्मा अपनी फॉर्म खो चुके हैं। रोहित शर्मा ने IPL के शुरुआती मैचों में बहुत ही बड़ा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप टीम का कप्तान बनाया गया, उसके बाद रोहित शर्मा की जो फॉर्म है वो बिल्कुल ही जा चुकी है। पिछले अगर 5-6 मैच की बात करें, तो पिछले 6 मैचों में रोहित शर्मा ने मात्र 24 रन बनाए। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा को टीम का कप्तान बनाया गया है और साथ ही हार्दिक पांड्या को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा के साथ साथ टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी भी, जिनका सिलेक्शन T20 वर्ल्ड कप टीम में हुआ है, वो भी फॉर्म से जा चुके हैं। चेन्नई की ओर से खेलने वाले शिवम दुबे ने भी पिछले 2 मैचों में 0 रन बनाए। इसके साथ ही युजवेंद्र चहल का भी T20 वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन सिलेक्शन के बाद चहल ने अगले मैच में 4 ओवर में 60 रन दे दिए। आपको बता दें T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का मुकाबला 9 जून को पाकिस्तान के साथ होने वाला है और यह मुकाबला अमेरिका में होने वाला है। तो अब आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।